ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, बात कर बताओ, सेकंड सेल में। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बेटा, बात कर रहे हैं सेकंड सेल, फर्स्ट सेल नहीं है, सेकंड सेल है, प्रेजेंट है कहाँ पे, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम बोल रखा था ना, हाइड्रोजन एटम की गुड़े बात के मतलब जेड की वैल्यू क्या आएगी, वन। और बेटे बात कर सेकंड सेल मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी, टू। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन गुड़े बात कर सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट बेटे बात कर दे आर रेडियस, रेडियस इन यंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर मुझे गुड़े बात कर रेडियस फर्स्ट सॉरी सेकेंड सेल की निकालनी है, वो भी यंग स्ट्रॉन्ग, तो अपन फॉर्मूले क्या लगाएंगे रेडियस का, 0.53 इंटू गुड़े बात कर क्या, एन स्क्वायर अपॉन जेड यंग स्ट्रॉन्ग, ये लगाया होगा आपने, 0.53 इंटू बेटे बात कैन स्क्वायर, इसका मतलब क्या, सेकंड सेल टू का स्क्वायर अपन गुड़े बात कर, पता हाइड्रोजन एटम है तो एटम नंबर वन आएगा यंग स्ट्रॉन्ग, और ये कितना आ चुका होगा बेटे बात का, 0.53 इंटू फोर, फोर अपॉन वन, फोर रहेगा, फोर का मल्टीप्लाई मारो कितना आ रहा है, टू गुड़े बात कर पता है बिल्कुल, और 21 तो कितना आएगा, 2. गुड़े बात कर 12 यंग स्ट्रॉन्ग, ये आपका आंसर रहना चाहिए यंग स्ट्रॉन्ग में। फिर आपसे कहा बेटा बात कर मुझे इसी सेल में एनर्जी भी चाहिए, अच्छा एनर्जी भी चाहिए, तो वो किसमें चाहिए था, एनर्जी एनर्जी चाहिए था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है सेकंड सेल के लिए गुड़े बात, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 गुड़े बात करें इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही पूछा था, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो गुड़े एनर्जी का, क्या आ जाएगा बेटा बात करें, माइनस तो रहेगा क्योंकि एनर्जी लिबरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बॉन्ड बनता है, एक दूसरे में क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम है तो वन का स्क्वायर एटम नंबर वन ही रहेगा, अपॉन बेटा सेकंड सेल है टू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना है वन अपॉन, अच्छा वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर ही रहेगा, वन का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यही रहेगा, माइनस का 13.6 अपॉन क्या आएगा बेटा बात करें फोर, अगर अपन डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, बिल्कुल माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये तो अपने वैसे भी यहाँ लिखा ही था पूरा का पूरा, तो भी आपको आ चुका होगा। सेकंड सेल में अगर गुड़े बात करें पता है वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इन गुड़े बात करें सेकंड सेल, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 गुड़े बात करें इंटू जेड बाय एन, और ये किसमें था बेटा बात करें हमारे पास, ये था मीटर पर सेकंड में, तो 2.18 आ जाएगा, 2.18 आ गया इंटू गुड़े बात करें क्या आ गया, 10 की पावर 6 इंटू गुड़े बात करें जेड, हाइड्रोजन है तो एटम नंबर 1, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल गुड़े बात करें सेकंड सेल है तो 2 आ गया, अगर 2 का डिवाइड करें तो कितना आ रहेगा, 1.09 वन इंटू समथिंग समथिंग, 2 का डिवाइड करो 2. गुड़े बात करें 09 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड की गुड़े बात के वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए गुड़े बात कर तो आपको लगा देना, पहली बात तो ये जो बोहर कंसेप्ट है हमेशा वन इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर पता है कंटेन की स्पीसीज पर लगता है, छोटे से फॉर्मूले थे, रेडियस था, एनर्जी था, वेलोसिटी था, आराम से अपन गुड़े बात के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार और क्वेश्चन करो जल्दी फटाफट फटाफट बेटा बात करें, इसमें कोई तकलीफ है क्या, अगर है तो बताओ।